हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और ब्लॉग स्टार्ट हो गया है एकदम ट्रेन की रफ्तार के साथ। टाइम भाग रहा है और 12 बज रहे हैं करेक्ट, और हम लोग को अब निकलना है। और यहाँ पे फ्राई मिर्ची हो चुकी। खाना खाओ, खाना बैग पैक हो रहा है। वो गाड़ी में रखते सामान सब। और यहाँ पे सब्जी जो कि ठंडी होने के लिए यहाँ पे मैंने रख दिया है। पूरी अभी पैक करना है और बहुत सारा सामान फैला हुआ है क्योंकि अब हम लोग को निकलना है। आपको तो पता ही कहाँ जाने वाले हैं। तो दही खाएंगे अभी, निकाल लिए, जलेबी बची होगी ना, तो अभी मैं दही और जलेबी खाऊंगी। तो आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि ये कैसे पूरे सामान को शिफ्ट कर रहे हैं गाड़ी में। डिग्गी भर चुकी है। भारी मीठी मीठी, तुम एक ही ब्रश रखी हो बेटी, मेरा ब्रश नहीं रखी हो। ये देखो मीठी, और मीठी खड़ी है और यहाँ पूरा सामान भर चुका है, भयंकर तरीके से भर चुका है। इसलिए बैठा है कि गैया वैया आएगी तो तुम देखे रहोगी। मोजे तो अभी सारे गीले हैं यार तुम्हारे। तो चलो हम लोग पहले खाना वाना खा लेते हैं, चलें? चलो बने रहना, हम लोग खाना वाना खा लेंगे, उसके बाद फिर रेडी होके निकलेंगे। कहाँ जाएंगे हम लोग? पार्टी। पार्टी नहीं, संजू बुआ की शादी में। तो मैं हो गई हूँ रेडी और सफर की शुरुआत करते हैं बड़े लोगों के आशीर्वाद के साथ। दादी की चलती, पर अब बाबा तबीयत ठीक नहीं है। बाबा भी तैयार थे, ख्याल रखिएगा बाबा। खूब आशीर्वाद दीजिए। बाय बाय चाची। तो मेरी जो सबसे छोटी वाली चाची सास है वो कैमरा पकड़ी हुई है, तो अब उनसे कैमरा लेते हैं और उनसे भी आशीर्वाद ले लेते हैं, फिर चलते हैं। कहाँ? वहीं पर है, ड्रेसिंग पे लगता है भैया ही रखे, पता नहीं। तो इस टाइम पे मैं हद से ज़्यादा इमोशनल हो चुकी थी और मैं रो भी रही थी। मतलब एक आ ही जाता है रोना, क्योंकि आज से 3-4 महीने पहले हम लोग जब संजू दीदी की एंगेजमेंट थी, तो व्लॉग भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, उसमें पापा जी गाड़ी चला रहे थे और हम लोग सब लोग पीछे बैठ, हम मतलब मैं और हस्बैंड जी पीछे बैठे थे, मम्मी जी आगे पापा जी के साथ बैठी थी। तो कुछ चीज़ें थी जो सोच सोच के बहुत रोना आ रहा था कि अगर पापा जी होते, मम्मी जी और पिंकी दीदी तो पहले जा ही चुके हैं, वो होते तो हम लोगों के साथ चलते और कितना अच्छा लगता। मतलब किसी ना किसी की कमी मतलब खल ही जाती है यार, और आज वही कमी हमें खल रही थी यहाँ पे कि पापा जी होते तो कितना अच्छा होता ये व्लॉग, और भी ज़्यादा अच्छा लगता। तो बस यही सब सोच के मैं बहुत इमोशनल हो रही थी। पता है शादी का घर है तो सब लोग आपस में ये करेंगे वो करेंगे, कोई क्या पहन रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो पापा जी की भी याद आएगी कि पापा जी ने भी सोच के रखा था कि मुझे ये पहनना है। उन्होंने बहुत कुछ प्लानिंग कर रखी थी कि मैं संजू की शादी में ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, तो बस हो जाता है यार थोड़ा बहुत, जब याद आती है ना तो इमोशनल हो ही जाती हूँ मैं। और यहाँ पे देवर जी की नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी और उन्होंने देखा कि भाभी रो रही हैं, तो बोले कहे रो रहे हो भाभी, चलो आप आगे बैठो भैया के साथ, मैं पीछे सो जाता हूँ। और वो पीछे जाके सो गए हैं। और यहाँ पे मैं और मीठी दोनों लोग मस्ती कर रहे थे, थोड़ा सा हंसना भी ज़रूरी है। कितने मोड़ है, मोड़ देखो, मोड़ ये पहाड़ है और इस पहाड़ को काट के ये रास्ते बनाए जाते हैं, इसलिए इतने टर्न होते हैं इसमें और इतने अंधे मोड़ होते हैं। आप ये देखो, ये मोड़ है और यहाँ पे कोई भी गाड़ी आ सकती है जो दिखती नहीं है दूर से। ये देखो अब ये इधर मुड़ेगा, वाओ एडवेंचर टूर है ये, एडवेंचर टूर। ये देखो, देखा है ऐसी रोड? हमने तो नहीं देखा भाई। चू नींद पूरी हो गई। मोंटू पे सो गए थे। तो सफ़र में कुछ मिले ना मिले यार, चाय ज़रूर मिलनी चाहिए, बैठे बैठे तो कुछ खाने की इच्छा हो नहीं रही थी। वैसे मैंने घर से जो पोंगड़िया वगैरह था, जिसको हम लोग इलाहाबाद में चुर्री कहते हैं, तो वो सब मैंने, पापड़ वापड़ ये सब चीज़ें मैंने फ्राई किए थे, पूरी सब्जी भी पैक किया था मैंने, पर हमें पीनी थी गर्मा गर्म चाय, तो हम लोग अमृततुल्य चाय पी रहे हैं। और यहाँ पे ख़तरनाक अंधेरा हो चुका था। और छिंदवाड़ा में आपका स्वागत है। तो हम लोग छिंदवाड़ा के अंदर आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा एक अच्छा स्मार्ट सिटी है और काफ़ी बड़ा सिटी है। और यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर घर जो बने हुए थे उनमें लाइट्स चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि तारे बिछे हुए हैं ज़मीन में, इतना सुंदर लग रहा था। मतलब ज़मीन क्या ऊंचा था, पर कैमरे में वो आता नहीं है एग्जैक्टली,
तो यहाँ पे मस्जिद है जो चौराहे पे बनी है। अगर आप कोई हैं छिंदवाड़े से या कभी गए हो तो बताना ये कौन सा चौराहा है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता है। तो मतलब इतना ज़्यादा नहीं घूमी हूँ, क्योंकि मैं यहाँ कभी कभी ही आती हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं पता है। तो अगर आप जानते हो तो बताना ये कौन सा चौराहा है छिंदवाड़ा का। और अभी हम लोग फिर छिंदवाड़ा जाने वाले हैं, क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग जो बची खुची है वो हम लोग यहीं से करने वाले हैं, क्योंकि मुझे यहाँ की मार्केट काफ़ी अच्छी लगी। अच्छे अच्छे शोरूम है और इन्हें शूज़ वगैरह भी लेना था, तो हमने सोचा कि हम यहीं से मीठी के लिए भी कपड़े खरीदेंगे। तो चलो फटाफट से गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं, नहीं वीडियो की स्पीड बढ़ाते हैं और पहुँचते हैं घर। तो यहाँ पे हमारी सुम्मी मतलब छोटी छोटी नंद मामी सास की बेटी वो रिकॉर्डिंग कर रही है। देखो तुम्हारा ब्लॉग शूट करने लगी सुम्मी, ठंडी लगी तो ये देखो ये हमारा दुल्हन है, ये हमारा दुल्हन है। मम्मी जी मिल गई, अब पेट भर जाएगा, अब मम्मी जी के हाथ से खाना है। हाँ खा लो, खाओ खाओ। कल ब्लॉग एंड करना ही भूल गए थे हम, इतना थक गए थे। हम सोच रहे हैं दो महानमूनों को ला लेते हैं जो नहाए के तैयार नहीं हुए। लालू क्या, लालू क्या। तो हमने कल ब्लॉग एंड करना मतलब भूल गए थे हम लोग, तो अब इतना थक गए थे यार, सच में भूल गए थे। तो फिर रात को याद आया जब सोने लगे, फिर लगा यार चलो सुबह कर लेते हैं। तो अभी हम ब्लॉग का एंड करते, इधर मेरी दोनों मामी बैठी, पर नहीं दिखाऊंगी नहीं, दोनों दौड़ा लेंगी मेरे को। क्योंकि वो लोग भी अभी रेडी नहीं हुई हैं, सब लोग गेहूँ बिन रहे हैं। और ये है हमारी बाड़ी जहाँ पे होगा कुछ दिन बाद फंक्शन स्टार्ट होंगे, मंडप लगेगा, हल्दी मेहंदी सब कुछ होगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से साफ सफाई कर दी गई है, जितने बाग बगीचे थे सब हटा दिए गए हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करने के लिए, आई होप कि आप सब भी उतने ही एक्साइटेड होंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपको फिर से एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, यहीं से दूसरा ब्लॉग भी स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।